नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो क्रिप्टो मार्केट है उसके अंदर ट्विटर का बहुत बड़ा रोल है। और ट्विटर के अंदर मैं आपको ऐसे तीन अकाउंट्स बताऊंगा जिनको यदि आप फॉलो नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उनको फॉलो आज ही कर लीजिए, वो आपको ट्रेंड बताते हैं क्रिप्टो का किस तरफ जाने वाला है। और यदि आपको ट्रेंड क्रिप्टो का पता चल गया तो आप लोग पैसा बना लोगे इस मार्केट के अंदर। और उसके साथ में एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है कि आप ये जो ऐसे टोकन्स बताते हो जो 100x हो जाते हैं वो सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? तो वो सबसे पहले आपको लॉन्च पैड पे मिलते हैं, वहीं पर आपको जाना पड़ता है, वहीं पर आपको बाई करना पड़ता है। लॉन्च पैड कौन सा सबसे बढ़िया है? सीडीफाई। आप सभी ने नाम सुना है इसके बारे में। इसके ऊपर एक IGO है जो कि यहां पे हेल्थ मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर भी हम लोग यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तीन अकाउंट बताता हूं जो आप फॉलो कर लीजिए। क्रिप्टो ट्रेंड सबसे पहला अकाउंट है, इसको फॉलो कर लीजिए नहीं करते हो तो अभी तक। क्रिप्टो ट्रेंड्स आपको सिंपल सिंपल तरीके से वो समझाने की कोशिश करता है कि आने वाले मार्केट में कौन सा ट्रेंड आने वाला है। दूसरा हमारा अकाउंट है, उसका नाम है ऑन चेन कॉलेज। ऑन चेन कॉलेज का सिंपल सा तरीका है कि ये जो भी ऑन चेन डेटास हो रहे हैं मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता है। तीसरा हमारा अकाउंट है, उसका नाम है वर्चर गुरु। अब वर्चर गुरु क्या बताता है? वर्चर गुरु एक लाइन के अंदर आपको सिंपल तरीके से कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूज आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करता है। इन तीनों अकाउंट्स को जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए यदि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो तो। कोई भी नहीं बताता है, मुझे पता है इनके ऊपर वीडियोस कोई नहीं बनाता, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। चलिए इसी बात पे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वो घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैं आता हूं सीडीफाई के ऊपर, क्योंकि सीडीफाई एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च कर रहा है। उनका यहां पे लॉन्च पैड के ऊपर यहां पे आप लोग देख सकते हो, जिसका नाम है कोवा कोमा। ये एक गेमिंग है जो कि ARPG गेमिंग है, यानी कि आप कह सकते हो कि कॉम्बैट गेमिंग इसको आप कह सकते हो। यदि आप इसका थोड़ा सा हाईलाइट देखोगे ना, आप लोग समझ जाओगे कि ये अमेजिंग गेम है। इसका आप लोग देख सकते हो कि 37K फॉलोअर्स है ऑलरेडी ऑन द ट्विटर अकाउंट। अब यहां पे मेन चीज आती है कि सीडीफाई के अंदर अकाउंट किस तरीके से बनता है और उसके बाद में हम लोगों को टोकन सबसे पहले किस तरीके से मिलते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग कहते हैं ना कि 100x टोकन चला गया, वो 100x उन्हीं लोगों के लिए होता है जो सबसे पहले किसी टोकन के अंदर अपनी एंट्री बनाते हैं। और सबसे पहले एंट्री कहां पे बनती है? वो लॉन्च पैड के ऊपर बनती है, जिस तरीके से सीडीफाई हमको यहां पे प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां पे सीडीफाई के अंदर कोवा कुमा जो है वो आने वाले दिनों के अंदर पैनकेक स्वैप के ऊपर लिस्ट होगा, उसके बाद में कुछ बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर लिस्ट होने वाला है। लेकिन हम लोगों को सबसे पहले बाइंग करनी है। मार्केट का एक फंडा सिंपल सा है, मार्केट में पैसा वही बनाता है जो सबसे पहले मार्केट के अंदर आता है, उसके बाद वाले पैसा नहीं बनाते। मार्केट में पहले नंबर पे जो आएगा पैसा वही बनाता है। तो लॉन्च पैड के अंदर आपको सीडीफाई के अंदर क्या करना है? सबसे पहले सीडीफाई के अंदर अपना अकाउंट बनाना है। सिंपल सा काम है, कोई इसमें बहुत बड़ा झोल नहीं है, सिंपल सा काम है, ठीक है। अकाउंट बना लो। तो अकाउंट कैसे बनता है सर जी? अकाउंट सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं करना। अकाउंट बनाने के लिए मेन चीज है आपकी यहां पे KYC कंप्लीट होनी चाहिए। एक तो आपको एस फंड होल्ड करने हैं। अब ये एस फंड क्या है? तो एस फंड है इनका खुद का टोकन। ये जो टोकन है ये सारे एक्सचेंजेस के ऊपर आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे इनकी क्या करनी है? KYC कंप्लीट करनी है। अब KYC के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल से जो हम लोग फॉर्मेट हम लोग जो भी देखते हैं KYC जो नॉर्मल होती है वही यहां पे भी आपको सबमिट करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हो जाएगी आपकी KYC कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है? मेन पॉइंट आता है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको कनेक्ट करना है वॉलेट। अब वॉलेट जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो यहां पे देखिए दो ऑप्शन आते हैं, एक तो मेटामास्क आ गया, एक आ गया वॉलेट कनेक्ट। सिंपल सा काम है, मेटामास्क से कर लो, क्योंकि मेटामास्क का यहां पे एक्सटेंशन मिल जाता है। ये देखिए मैंने यहां पे कनेक्ट करके रखा है। तो इसके बाद जैसे ही आप ये कनेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है? स्टेकिंग के ऊपर आना है। स्टेकिंग के ऊपर जब आप आते हो ना, तो यहां पे देखिए स्टेक करना पड़ता है आपके जो एस फंड होते हैं ना, चाहे वो KU कॉइन पे पड़े हैं या कहीं पे भी पड़े हैं, उनको आप फटाफट भेज दीजिए मेटामास्क के ऊपर। मेटामास्क के ऊपर आपने भेज दिया, उसके बाद में आपको स्टेक करना है 14 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए। आप यहां पे अप्रूव कर दीजिए अपने एस फंड को, यहां पे स्टेक कर दीजिए, ठीक है। स्टेक होने के बाद आपको क्या करना है? अब एक ही आपको काम करना है, वो है कि जब ये स्टेक हो गए, स्टेक के ऊपर एक और आपको बात बता दूं कि यहां पे APY भी बहुत बढ़िया जनरेट होके मिलता है, यानी कि जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो वैसे भी यदि सीडीफाई तो बढ़ेगा आने वाले टाइम के अंदर, उसके ऊपर यदि आपको APY जो फ्री में वो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मजेदार होने वाला है। अब ये हो गया आपके स्टेक। स्टेक होने के बाद में जितने आपने स्टेकिंग किए हैं ना टोकन्स, उस हिसाब से आपको ये जो कोवा कुमा का टोकन है वो मिल जाएगा। और ये एक बहुत ही मजेदार तरीका है जिससे आप लोग बाकी जितने लोग हैं मार्केट में
उनसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर घुसने वाले हो, और यदि आप लोग प्रॉफिट बनाओगे तो उनसे कहीं ज्यादा बनाओगे। अब यहाँ पे देखो, इनका अभी टायर सिस्टम है, यदि आप सीडीफाई के अंदर जाते हो ना, तो अभी इन्होंने अपना एक लेटेस्ट टायर सिस्टम यहाँ पे लगाया है, जो कि पहले थोड़ा सा अलग था, लेकिन अभी इनका टायर सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे होता क्या कि टायर वन के अंदर कम से कम आपको 250 टोकन्स यहाँ पे होल्ड करने पड़ते हैं। जब आप कम से कम 250 टोकन सीडीफाई के होल्ड करते हो, स्टेक आप कर देते हो, उसके बाद में देखिए यहां पे देखिए 1.2 पूल वेट हो जाता है, राइट। तो 1.2 पूल वेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपका एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है, जिसके बाद जो जो एड्रेस यहां पे लॉटरी से निकलते हैं उनको ये टोकन्स दे दिए जाते हैं, जो कि आपका काउ कुमा का टोकन है। ये टोकन की मैं बात कर रहा हूं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं जो कि आने वाला है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद यदि आप लोग 1000 एस फंड होल्ड करते हो, तो यहां पे आपको गारंटेड है कि आपको यहां पे लॉटरी खुलेगी, आपको आपको यहां पे काउ कुमा का टोकन मिलेगा ही मिलेगा। 250 टोकन में क्या होता है ना, एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है, वहां पे फिक्स नहीं होता, लेकिन 1000 एस फंड यदि आपने होल्ड कर लिए, स्टेक कर दिया, तो फिक्स है आपको यहाँ पे काउ कुमा का टोकन मिलेगा ही मिलेगा। अब आप लोग समझ चुके हो कि किस तरीके से ये पूरा स्टेकिंग वाला मामला चलता है और किस तरीके से आपको टोकन मिलता है। अब मैं आता हूं प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि प्रोजेक्ट किस तरीके का उसके ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। यहां पे देखिए एक बेल्ट बाजार यहां पर रिसर्च है, इन्होंने यहां पे पूरी रिपोर्ट जमा की है काउ कुमा किस तरीके का टोकन है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो गेमिंग प्रोजेक्ट है, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं सीडीफाई ज्यादातर गेमिंग प्रोजेक्ट को ही यहां पर लेके आता है। तो प्री रिलीज इनका जो गेम है वो मैं आपको यहां पर शो करने की कोशिश करता हूं। यहां पे आप इसका छोटा सा वीडियो देखिए, बड़ा मजेदार गेम है, इसका डेमो आप लोग भी खेल सकते हो, जो भी यहां पे है ये सब चीजें फ्री है, आप लोग इसको ट्राई करिए, बहुत मजेदार गेम है। आने वाले टाइम के अंदर ये बड़ा अमेजिंग यहां पे प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इनका गेम है ये मुझे काफी अच्छा लगा। उसी के साथ में इनका एक टूर्नामेंट भी अभी चल रहा है, जिसके अंदर यदि आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, गेम्स खेलते हो, एनएफटीज बाय करते हो, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि 10,000 वर्थ ऑफ एनएफटीज एंड टोकन्स ये लोग फ्री में डिस्ट्रीब्यूट भी करने वाले हैं। अब मैं आता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, एक तो इनका आप गेमिंग के जितने भी स्क्रीनशॉट्स है वो आप यहाँ पे चेक करिए, बड़े मजेदार आपको गेमिंग स्क्रीनशॉट्स नजर आएंगे। फाइट मैकेनिज्म सब कुछ इनका बहुत ही अमेजिंग है। एनएफटीज वगैरह आपको बाई करना पड़ता है, इवाइक, जैसे इसका, जैसे इस कैरेक्टर का नाम है इवाइक, उसके बाद में इसका नाम है ग्रेन, ये सारे आपको मॉन्स्टर्स, ये सारे आपको उसके गेम के अंदर मिलने वाले हैं, राइट। अब उसके साथ में आप बात करते हैं टोकनॉमिक्स के ऊपर और जो भी कंप्लीट ये चीजें हैं इनके। देखिए टोटल इनके दो टोकन यहाँ पे आने वाले हैं मार्केट के अंदर, एक तो KKMA नाम से आएगा, एक आएगा BOD के नाम से। KKMA जो है उसके आप लोग यहाँ पे टोटल सप्लाई देख सकते हो, उसके बाद में पब्लिक के अंदर कितना जाएगा वो 2.5 है, और प्राइवेट के अंदर कितना होगा वो आप लोग देख सकते हो। लिक्विडिटी के लिए 5% होगा, प्राइवेट के अंदर 13.5% है, यानी कि आप लोगों के लिए अभी मौका है, आप प्राइवेटली आप इसको बाय कर सकते हो 13.5% के अंदर आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। उसके साथ में आप इनका वेस्टिंग का शेड्यूल देख सकते हो। वेस्टिंग का मतलब होता है सिंपल सा कि ये क्या करते हैं कि एकदम से सारे वो नहीं देते हैं आपको, सारे जो टोकन है एकदम से नहीं देते, क्योंकि हो सकता है मार्केट में यदि एक टाइम पे सारे टोकन दे दिए तो लोग सेल करके चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ना धीरे धीरे टोकन आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, प्रोवाइड करते ही करते हैं, ठीक है। उसके साथ में नीचे आ जाता हूं, देखिए BOD टोकन के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यूटिलिटी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोकन का यूटिलिटी है, एक तो ये रिवॉर्ड करते हैं प्लेयर्स को, उसके साथ में कैरेक्टर्स होते हैं वो आप लोग इन्हीं टोकन से बाय कर सकते हो, उसके साथ में NFTs को बाय कर सकते हो, तो ये सब है। यहां देखिए मोबाइल, तो मोबाइल के ऊपर और डेस्कटॉप वर्जन दोनों के अंदर इस गेम को आप लोग खेल सकते हो, और यहाँ पे अमेजिंग प्राइजेस वगैरह जीत सकते हो, तो अच्छा प्रोजेक्ट है डेफिनेटली। यदि इनकी टीम भी देखोगे तो वो भी काफी अच्छी है, सारे टीम मेंबर्स के नेम जरूर मेंशन किए हैं, फोटोज मेंशन नहीं है, जो कि मुझे थोड़ा सा यहां पे सही नहीं लगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे पॉइंट है जो कि खला यहां पे। ये आप देख सकते हो कुआ कुमा स्टूडियोस के बारे में, बेसिकली इनके जो भी एम्प्लॉयज हैं वो लोकेटेड हैं चाइना, फिलीपींस और वियतनाम के अंदर। अब यहां पे और नीचे आने की कोशिश करते हैं, मेन चीज है पार्टनर्स कौन से हैं। तो पार्टनर्स बहुत अच्छे अच्छे मुझे लगे, पॉलीगन स्टूडियोज इनका पार्टनर है, उसके साथ में OIG है, उसके साथ में आप देख सकते हो गेमीफाई कैपिटल्स हैं, तो पार्टनर्स इनके काफी अच्छे अच्छे हैं, तो ये एक मुझे थोड़ा सा इनका पॉजिटिव चीज लगी जो कि मार्केट में आपको नजर आनी चाहिए इनके ऊपर, और आने वाले टाइम के अंदर ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर ये जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो आप लोग देखना कि ये प्रोजेक्ट कितना धूम मचा सकता है। और अभी यदि आप लोग ने इनके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया सीडीफाई से, सारे आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यदि आपने एस फंड को स्टेक में लगा दिया, इनका पहले KYC कर लेना उसके बाद में स्टेक में लगा दिया, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये धूम मचा सकता है। अभी आप लोग कुछ ही परसेंट के अंदर बाई कर लोगे, लेकिन ये जो प्रॉफिट देगा जब ये सपोज करिए 50x हो गया, 100x हो गया आने वाले टाइम के अंदर,
तो आप लोग कहोगे कि सच में बहुत मुझे फायदा हुआ, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यही करते हैं। सीडीफाई इसीलिए आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करता है जो बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। आज के टाइम पे प्रोजेक्ट काफी दमदार है, लेकिन अब आपको सोचना है कि इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको बताना और एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए फिर इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।